हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक रेवेन्यू का टॉपिक। देखिए, कुछ ही टाइम पहले हमने एक पूरी वीडियो की थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, आपका रेवेन्यू के साथ साथ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इन तीनों के मतलब हमने जो है डीपली डिस्कस किए थे और समझे थे। अब बात करते हैं कि जो आपका कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू का, वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसे काम करता है। मतलब देखिए, रिवेन्यू यानी पैसा जनरेट करना, सेल्स करके आपने कितना रिसीव किया है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। अब ये जो रिवेन्यू है, क्या ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है आपका कह सकते हैं कि क्या वो अपना डिफरेंट नेचर दिखाएगा, वही आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम जो मार्केट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यानी जब एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट है, तो वहाँ पे रिवेन्यू का टॉपिक किस तरीके से काम करता है या रिवेन्यू किस तरीके से ट्रीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवेन्यू का मतलब आपके लिए जानना ज़रूरी है, एंड सेकेंड इज आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब जानना ज़रूरी है। देखिए बेटा, रिवेन्यू इज़ वॉट? रिवेन्यू इज़ नथिंग बट द रिसिप्ट विच यू हैव गॉट आउट ऑफ योर सेल्स या फ्रॉम योर सेल्स। सो वट एवर सेल्स यू हैव डन, लेट सपोज मैं जो हूँ फ़ोन मैन्युफैक्चर करके उसको बेचती हूँ। सो आई हैव सोल्ड दिस फोन 100 फोन्स और इसको जो है सोल्ड करके मैंने 1000 रुपीज़ कमाए हैं। अच्छा, 1000 बहुत कम हो गए, 1 लाख रुपीज़ कमाए हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो मैंने जनरेट किए हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज माय रिवेन्यू। रिवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो उसको आप मिक्सअप मत कीजिएगा। रिवेन्यू मतलब प्योर जो आपने पैसा कमाया है अपना, या उस सेल से जो आपकी रिसिप्ट बनी है, तो वो आपका सेल्स के द्वारा की गई रिसिप्ट, वो आपकी रिवेन्यू कहलाती है। अब रिवेन्यू के बाद एक और टॉपिक आपके लिए समझना जरूरी है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति कभी भी एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, जब भी चाहे जो भी चाहे वो अपना सामान जो है बेच सकता है या फिर वापस उससे जा सकता है। सो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे खरीदने वाले भी जो है थाउजेंड्स और बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, और वहाँ पे बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। आप अपने लोकल मार्केट्स में चले जाइए, आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को उठा करके देख लीजिए, स्टेशनरी का प्रोडक्ट ही देख लीजिए, उसमें हमारी कंट्री में बहुत सारे सेलर्स हैं जो स्टेशनरी का माल बेच रहे हैं, एज वेल एज बायर भी बहुत सारे हैं जो स्टेशनरी का माल खरीद रहे हैं, चाहे ये पेंसिल हो, चाहे ये नोटबुक हो, चाहे जो है ये बोर्ड हो जिस पे मैं काम कर रही हूँ। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचने वाले यहाँ पे अनेकों सेलर्स अवेलेबल हैं, एंड एज वेल एज बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं। सो दिस टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर्स अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्योंकि वहाँ पे अगर आप 1 रुपये भी कम करोगे ना, तो दूसरा व्यक्ति भी कम कर देगा, या फिर आप कम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी मार्केट एक तरीके से एक साथ चलती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कभी अपने लोकल मार्केट में सब्जी लेने गए हो, सब्जी की जैसे सोम बाजार बीर बाजार टाइप जो लगते हैं ना, उसमें गए हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे। वहाँ पे आप एक व्यक्ति से पूछोगे, भैया टमाटर कितने का है, लेट्स सपोज उसने बोल दिया 40 रुपीज़ पर केजी। आपने सोचा चलो आगे चल के पूछता हूँ, वहाँ शायद कम मिल जाए, तो वहाँ पे शायद ही आपको पूरी मार्केट में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उससे कम प्राइस पर बेच रहा होगा, अदरवाइज आप और बेच भी रहा होगा तो वो ख़राब प्रोडक्ट ही होगा। तो एक सिमिलर अच्छे प्रोडक्ट के लिए ऑलमोस्ट सारे लोग सेम प्राइस के लिए मांग रहे होंगे। क्यों ऐसा कर रहे होंगे? लेट सपोज 10 लोग टमाटर बेच रहे हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति ने जो है कहा कि नहीं मैं तो 35 रुपये में बेचूंगा, बाकी लोग पकड़ के कहेंगे ठीक है बेटा तू 35 रुपये में बेच के दिखा, ठीक है। और या फिर जो है वहाँ पे लोग फिर थोड़ा सा कियोस्क हो जाएगा, और वहीं पे अगर वो व्यक्ति कह दे कि नहीं मैं तो 40 से ज़्यादा बेचूंगा, 45 पे बेचूंगा, तो कोई और उसकी तरफ जाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे एक बेसिक सा जो है प्राइस होता है, जो कि सारे सेलर सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट बेच रहे होते हैं। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो रिवेन्यू होता है वो हर व्यक्ति का ऑलमोस्ट सेम होता है, अगर आप पर क्वांटिटी के वाइज देखें। सेम होता है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने 10 किलो बेचे आपने 15 किलो बेचा तो सेम होगा, नहीं, मतलब पर क्वांटिटी, चाहे वो पीसेस में हो, केजीज में हो, वो क्वांटिटी दर क्वांटिटी जो रिवेन्यू है वो सेम होगा, क्योंकि हम भी 35 रुपये में बेच रहे हैं, आप भी 35 रुपये में बेच रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपका एक ऐसा जो है सिचुएशन बनती है जहाँ पे रिवेन्यू जनरेशन फॉर पर क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही होता है।
ओके, परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए आउटपुट है 1, 2, 3, 4, वहीं पे टोटल रेवेन्यू जो है वो है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपकी कुछ इस तरीके से है। और एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कितना है कि देखो, एक क्वान्टिटी आप 5 रुपये की बेच रहे हो, दो क्वान्टिटी के लिए भी आप 5 रुपये का ही जनरेशन करोगे, यानी कि प्राइस क्या है, प्राइस दैट इज 5 रुपी योर प्राइस। और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कैसे आ गया, 5 रुपीज एक क्वांटिटी तो 5 रुपीज, दो क्वांटिटी 10, 5 रुपीज, तीन क्वांटिटी 15, 5 रुपीज, फोर क्वांटिटी 20। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आ गया, यहाँ पे सारा आप देखिए, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ाई तो 5 रुपये का डिफरेंस, एक क्वांटिटी बढ़ाई तो 5 रुपये का डिफरेंस, इसी तरीके से 5-5 आपका जो है मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि ऐसे कैसे कैलकुलेट किया गया है, सो रिसेंटली आई हैव अपलोडेड अ वीडियो जहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, एवरेज रेवेन्यू आपका, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो आप प्लीज वो टॉपिक जरूर क्लियर कीजिए। ओके, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम दिखाएं तो ये हमारा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, और ये हमारा प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम चल रहे हैं। तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो प्राइस के यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसीलिए वहाँ पे प्राइस जो है वो निरंतर सेम रहते हैं। इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू जो है आपकी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ती रहेगी। ओके, सो टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज करती है कॉन्स्टेंट रेट पे, क्योंकि प्राइस फिक्स होता है। जब भी प्राइस फिक्स होगा तो जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो कॉन्स्टेंट रेट पे होगी, क्यों, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है। वहीं पे अगर प्राइस में थोड़ा सा लचीलापन होता, प्राइस में थोड़ा सा इलास्टिसिटी आती, तो उस जगह पे क्या होता, उस जगह पे आपका रेवेन्यू का स्लोप थोड़ा आगे पीछे हो जाता। बट यहाँ पे बिकॉज द प्राइस इज फिक्स्ड, इसीलिए रेवेन्यू जो है इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंट रेट पे। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू या फिर आप जिसको हम प्राइस भी कहते हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन वो चेंज नहीं होता है। जैसे ही आप जो है चेंज करोगे अपनी आउटपुट सोल्ड, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट सोल्ड, तो एवरेज रेवेन्यू सेम ही रहता है। क्यों सेम रहता है, बिकॉज द प्राइस इज सेम। तो यहाँ पे प्राइस सेम होने के कारण एवरेज रेवेन्यू सेम है, और इसीलिए यहाँ पे जो है आपका जो आप कह सकते हो कि आपका जैसे जैसे आप आउटपुट बेचते हो वैसे वैसे आपका एवरेज रेवेन्यू भी जो है सेम ही रहता है। मार्जिनल रेवेन्यू, एक फर्म जो है एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचेगी तो उसमें उसको जो है सेम प्राइस जो भी वो पे कर रही है उतना ही उसको मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू यानी जो डिफरेंस है वो भी ऑलमोस्ट वो भी आपका सेम नजर आएगा। ठीक है, तो द फर्म हैज द सेम मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। So this was the topic for today guys, and for our next video we will discuss about the situation of revenue under monopoly or monopolistic competition, right? So till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.